लोग उसको मैं रूबरू करा रहा हूँ, हरियाणी कल्चर, हरियाणी संस्कृति, हरियाणी परंपरा और हरियाणी शादी आप लोग देख रहे हो मेरे ब्लॉग के द्वारा। या तो हमारे हरियाणा में क्या होता है, जब शादी होती है ना तो चाक पूजने चाक पूजा जाता है, तो वही सारी लेडीज इकट्ठा होकर चाक पूजने जाती हैं, तो वही परंपरा आप लोग देख रहे हो, तो वही रस्म अभी भी निभाई जाती है, तो सदियों से चली आ रही है रस्म, अभी भी वही निभाने जा रहे हैं, आगे चल रहे हैं डीजे, वो सारी लेडीज इकट्ठे हुए जा रही हैं अभी। तो अभी मैं बैठा था मेरे फूफा जी के पास, ये मेरे दोनों मेरे फूफा जी हैं और वो मेरे भाई हैं, यानी मेरे फूफा के लड़के हैं, तो बैठा था उनके पास। तो यहाँ पे भी वही अपना जो काम होता है भाई, मैं क्योंकि व्लॉगिंग करते हैं तो भाई अपना काम व्लॉग बनाना होता है, तो इनको भी मैंने सोचा कि चलो फूफा जी लोगों का वीडियो बनाया जाए, व्लॉग शूट किया जाए इन लोगों का। और इस तरफ गाय बंधी हुई हैं, आप लोगों को दिख जाएंगी कि हमारी गौ माता, क्योंकि भाई हिंदू धर्म में हमें बहुत ऊँचा स्थान है गौ माता का, इनके बिना ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि भाई गाय हमारी माता होती है। तो यहाँ पे बैठे सारे, और तो हमारे बड़े भाई जी अपनी साली से बातचीत कर रहे हैं, वो खाना खा रही है, मुझसे बोला कि भाई मेरी वीडियो बना दे मेरी साली के साथ, मैंने बोला चलो भाई बना देते हैं, हमारा क्या है। तो साली साहिबा खा रही है खाना और भाई जी कर रहे हैं उनसे बात कि अच्छे से खाओ खाना, आराम से खाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है खाना खाने की। तो अभी बुआ जी और भाई जी मेरी बड़ी बुआ की लड़की है, वो भी बुआ जी है, और सारे बैठे एक कमरे में बातचीत कर रहे हैं आपस में। तो मैंने कैमरा निकाला और ब्लॉग शूट कर लिया इन लोगों का, क्योंकि भाई शादी का एक ऐसा दिन होता है जब सारे रिलेटिव और फैमिली इकट्ठा होती है, तो एक बहुत ही अनमोल पल होता है, तो मैंने कैमरे में कैद कर लिया अपने भाई, क्योंकि ये अनमोल पल मैं किसी भी तरह से खोना नहीं चाहता था, इनको सभी को एक कैमरे में मैंने कैद किया। तो अभी भाई जी और मैं और जीजा जी से बातचीत कर रहे कि आप घर क्यों नहीं आते हैं, जीजा जी बोल रहे आप पहले आओ उसके बाद हम आएंगे, क्योंकि जीजा जी से हम शादी में मिले थे, तो अभी भी हम शादी में ही मिल रहे हैं जीजा जी से, उसके बाद तो मिलना नहीं होता। तो यहाँ पे चल रही है सगाई की परंपरा, खासकर हरियाणा में जब भी बारात आती है लड़की की तो चौपाल होती है गाँव में, तो उनमें ही उसको फरस भी बोलते हैं, तो उन्हीं पर बारात बिठाई जाती है, और फिर ये सगाई का प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पर सगाई की जा रही है, ये दूल्हा साहब है यानी जो मेरी भतीजी उनके होने वाले या दूल्हे यानी जो हस्बैंड हैं। तो यहाँ पे फोटो शूट भी हो रहा है इनका, और वीडियोग्राफर भी अपनी का जो काम कर रहे हैं वीडियो शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सगाई का प्रोग्राम चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल होता है। देखो मतलब जो बारात के कुछ हैं और हमारे जो बुआ जी के लड़के हैं फूफा जी हैं सारे हैं यहाँ पे सगाई का प्रोग्राम कर रहे हैं साथ में, तो अच्छा भी होता है क्योंकि भाई सारे लोग मिल जाते हैं, तो उसके बाद फेरों की परंपरा। हरियाणा में जो सगाई होती है वैसी ही होती है, और आप देख सकते हो आप लोगों के सामने हमारा कल्चर है हरियाणवी कल्चर, आप लोग देख सकते हो शादी का कैसे होती है हरियाणवी शादी आपके सामने बिल्कुल। तो जो परंपरा थी चाक पूजने की हो चुकी है पूरी, अभी सभी लेडीज इकट्ठा करके यानी जो बहन भाभी बुआ जी और मतलब सारे जो भी इनके रिलेटिव होते हैं पड़ोस पड़ोस के होते हैं, तो सारे अभी डांस कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो आप लोग। मैंने भी देख भाई जी क्या हाल चाल है, ठीक है भाई।
जो फेरे की रस्म होती है हो चुकी है। ये बारात है, अभी ये बारात जा रही है, वापस जा रही है, यानी गाड़ियों में अपने अपने स्थान पर जाएगी। ये जो भी बारात में आई थी ये लड़कियाँ, जो लेडीज, अभी जा रही हैं वापस। और क्या था है नहीं पत्थर की चाल पे में जा रहे थे क्या ये जावा है मेरे जान कटिंग कर दूंगा डॉक्टर दराठा वे देख हां ले दराठे काट रही है ओम को आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें भी नहीं मत जाना। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, एंजॉय करें अपनी लाइफ और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी वाला बाय।